स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा टेक वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बार बार ट्राई करने के बावजूद भी हमें तत्काल में रेलवे टिकट क्यों नहीं मिलते। जी हाँ दोस्तों एक सर्वे के अनुसार रेलवे का कहना है कि जब तत्काल खुलता है उस समय एक साथ 5 लाख लोग, जी हाँ दोस्तों 5 लाख पर्सनल यूजर आईडी एक ही सर्वर पर एक ही टाइम कनेक्ट होती है। जी हाँ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 5 लाख लोग ऐसे रहते हैं जो तत्काल के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन हाँ वो अलग अलग रूटों पर ट्राई करते हैं। ज्यादातर दोस्तों ट्राई बिजी रूट पे होता है, आपको पता है, जहाँ रोजगार के अवसर ज्यादा रहते हैं। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेट्रो सिटी हो गए, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, इस तरह दोस्तों सूरत अहमदाबाद हो गया, ये सब दोस्तों यहाँ की जो सिटियाँ हैं यहाँ के मजदूर ज्यादा रहते हैं और दोस्तों इस रूट पर चलने वाली गाड़ियाँ हमेशा बिजी रूट में ही आती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सोचते हो कि हमसे टिकट क्यों नहीं निकल पाता, दोस्तों इसका रीजन है टिकट आपसे ही नहीं, टिकट किसी से नहीं निकल पाता। 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 10 दिन ट्राई किया जाता है तो जाके दोस्तों एक दिन टिकट निकल जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तत्काल का जो गंदा खेल है वो 1.5 मिनट तक रहता है। जी हाँ दोस्तों यानी कि अगर आप 11 बजे के लिए स्लीपर की बुकिंग कर रहे हैं तो आप देखेंगे 1:30 तक उसकी सीटें अवेलेबल रहती है, उसके बाद ऑटोमेटिक सीधा बैटिंग या फिर रिग्रेट आ जाता है। जी हाँ दोस्तों उसका ऑप्शन रहता है कि दोस्तों आप अपने हिसाब से ही सोच लीजिए। दोस्तों आप बात पहले समझिए, एक पर्सनल यूजर आई डी पे मतलब एक साथ एक ही समय 5 लाख लोग कनेक्ट है। जी हाँ दोस्तों आप अपने हिसाब से सोच लीजिए, थोड़ा भी 3 से 4 या फिर 5 सेकेंड भी ऊपर नीचे होगा तो आपके हाथ से तत्काल चला जाएगा, दूसरे पर्सन के पास हो जाता है। और दोस्तों इसमें होता क्या है, कभी कभी तत्काल जब हम बुक करते हैं तो इमेज देता है और कभी कभी नहीं देता है। दोस्तों कभी कभी इमेज दे देता है, उसमें कम से कम मान के चलो तो 10 सेकंड तो लग ही जाते हैं अगर हम सही इमेज डालेंगे। और दोस्तों कभी कभी किसी पर्सनल यूजर आईडी पे इमेज ना देके सीधा रिबूट का ऑप्शन देता है। दोस्तों रिबूट जो करता है तो दोस्तों इमेज के मुकाबले उस पर फास्ट वर्क करता है, यानी कि रिबूट पे टैप करेंगे और वो दोस्तों तुरंत फास्ट हो जाएगा। और दोस्तों बहुत सारे रीजन में ये होते हैं, रेलवे का कहना है कि अब, जी हाँ दोस्तों अब जब से एजेंट का टाइम बदल दिया गया है, एजेंट तत्काल नहीं निकाल पा रहे हैं, तब से दोस्तों सबसे ज्यादा मोबाइल में से लोग टिकट बुक कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों मोबाइल में से, तो दोस्तों मोबाइल में से अगर आप टिकट निकाल रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आप अपना इंटरनेट चालू करके मोबाइल का डेटा चालू करके निकालेंगे। लेकिन दोस्तों बहुत मामले में काफी हद तक तत्काल टिकट निकालने में हाई स्पीड इंटरनेट का भी दोस्तों हाथ रहता है। जी हाँ दोस्तों आपको पता ही होगा दोस्तों इस समय मार्केट में जियो फाइबर आ चुका है, तो दोस्तों और राउटर के मुकाबले जियो फाइबर की स्पीड काफी अच्छी और दोस्तों बहुत ही तेज है, सिक्योर रहती है दोस्तों और काफी तेज भी इसकी स्पीड आती है। तो इसके मुकाबले दोस्तों जो जियो फाइबर के थ्रू इंटरनेट, जो जियो फाइबर से वाईफाई कनेक्ट करके टिकट निकालते हैं मोबाइल से ही, तो दोस्तों उनके पास ज्यादा चांसेस रहते हैं टिकट बुक होने के। जी हाँ दोस्तों यही रीजन रहता है कि उनको दोस्तों टिकट मिल जाता है और हम लोग को नहीं मिल पाता है। और दोस्तों और भी बहुत सारे रीजन, जैसे मैं एक साथ 4 लोग का तत्काल टिकट निकालते हैं तो दोस्तों हमको नहीं मिल पाता क्योंकि हम बुक ऑनली कन्फर्म बर्थ पे टेप किए रहते हैं, अगर बुक होगा तो 4 टिकट होगा वरना एक भी नहीं होगा। और बहुत लोग दोस्तों केवल एक ही टिकट की ट्राई करते हैं तो दोस्तों उनको मिल जाता है। तो दोस्तों इजली तरीके में कहा जाए कि जितना जल्दी आप पेमेंट कर सकेंगे उतना जल्दी दोस्तों आपका टिकट बुक हो जाएगा, अगर आप सिंपल भाषा में समझेंगे तो। तो दोस्तों तत्काल में कुछ इसी तरह से पूरा प्रोसेस चलता है अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि दोस्तों बहुत मेरे पास भी काफी सब्सक्राइबर का फोन आता है कि सर टिकट नहीं बुक हो रहा है, इससे पेमेंट कर रहे हैं, उससे पेमेंट कर रहे हैं। दोस्तों ये समय ऐसा है कि आप कोई भी पेमेंट मेथड कर लीजिए, अगर आपका पेमेंट 1 मिनट 20 सेकंड या 30 सेकंड के अप्रोक्स भी हो जाता है तो भी दोस्तों टिकट मिलने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि बिजी रूट पे, दोस्तों मैं बता रहा हूँ नॉर्मल रूट पे नहीं, बिजी रूट पे, खासकर जो मजदूर यहाँ से गए हैं, जो वापिस दोस्तों शहरों की तरफ लौट रहे हैं, उनकी परिभाषा में दे रहा हूँ। दोस्तों इस समय सीजन नहीं है फिर भी सीजन से भी बदतर स्थिति है। जी हाँ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों यही वीडियो में बताना चाहता था, यही सब खामियों की वजह से, यही सब प्रोसेस की वजह से टिकट हमको नहीं मिल पाती है, या दोस्तों हमारे जैसे कुछ लोग रहते हैं जो टिकट निकाल लेते हैं इजली तरीके से, तो दोस्तों होता क्या है वो भी 4 दिन 5 दिन 6 दिन ट्राई किए रहते हैं फिर एक दिन उनका निकल जाता है। तो बस दोस्तों उसी तरह प्रोसेस टिकट में भी दोस्तों यही चल रहा है। अगर आप कंफर्म कर लियो भाई परसों मुझे शहर जाना है और कल मैं तत्काल में निकाल लूंगा तो दोस्तों ऐसा गलती मत करना, क्योंकि शायद ही मिल जाए, वरना चांसेस नहीं है दोस्तों मिलने के, क्योंकि 4 दिन 5 दिन 6 दिन आपको ट्राई करना पड़ता है तो ही मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।